भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, वो विषय है कि तथागत बुद्ध ने जो प्रवचन दिए हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन प्रवचनों में एक बात आती है, सदाचरण। लोग कहते हैं बौद्धों की जीवन शैली में ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है कि हम सदाचारी बने रहें। तो ये सदाचारी मतलब क्या होते हैं? तो आइए तथागत क्या समझाते हैं सदाचरण का क्या अर्थ है। बाबा साहेब ने शीर्षक लिखा है, सदाचरण क्या है। इस प्रश्न के साथ बाबा साहेब आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं बाबा साहेब कि एक बार जब तथागत बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे, तो वे शाला नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। ये ग्राम कौशल जनपद में था। कौशल जनपद में ये ग्राम था शाला, और इस शाला ग्राम में वे पहुंचे। और शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते करते तथागत बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं, तो उनको लगा कि तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए जाना अच्छी बात है। देखिए, जो पूजनीय होते हैं, जो वंदनीय होते हैं, उनका दर्शन करना भी एक अपने आप में बड़ा सुखदायी होता है और फलदायी भी होता है, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से एक बात मन में जाग जाती है कि हम इनके जैसे होने की कोशिश करें और इनके जीवन में जो कुछ अच्छा है वो हमारे जीवन का भी आदर्श बने। तो इस तरह से लोगों में ये बात बनी रही है। आज भी लोग देखते हैं कि अच्छे लोगों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। तो तथागत बुद्ध ही जब स्वयं शाला में पहुंचे, तो वहां के ग्रामवासियों को लगा कि चलिए जरा तथागत के दर्शन कर लिए जाए। तो वे वहां पहुंचे, इसलिए शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गए। अब तथागत के साथ बहुत बड़ा भिक्षु संघ भी था उस वक्त, इन्होंने भी वंदन किया, एक और बैठ गए। जब तथागत से प्रार्थना की कि वे बताएं कि सदाचरण का मतलब क्या है, अब एक और बैठ गए और उन्होंने प्रश्न किया कि सदाचारी बनने की शिक्षा तो तथागत देते हैं, तो चलिए भाई तथागत से ही पूछा जाए कि सदाचरण का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देकर सुनने के लिए जो उद्यत थे, उन ग्रामवासियों को तथागत बुद्ध ने कहा कि शरीर के तीन दुराचरण होते हैं। अब देखिए, सदाचरण की बात अगर समझानी है तो पहले तो दुराचरण बताना होगा कि दुराचरण क्या होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम दुराचरण और सदाचरण इन दोनों के बीच का अंतर ही नहीं समझ पाते। तो तथागत कहते हैं कि शरीर के तीन दुराचरण होते हैं, वाणी के चार दुराचरण होते हैं और मन के तीन दुराचरण होते हैं, यानी कि 10। सामान्य भाषा में कहें तो काया, वाचा और मन, काया के 3 दोष, वाणी के 4 दोष और मन के 3 दोष, ऐसे मिलाकर 10 दोष। तो जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, तथागत कहते हैं कि जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, तो एक आदमी रक्त रंजित हाथों से हत्यारा होने के कारण, प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। कई लोग ऐसे देखते हैं, कोई कारण नहीं होता लेकिन वे जहां खड़े होते हैं वहां से इधर उधर चलती फिरती घूमती हुई चींटियों को अकारण मसल देते हैं। उन्होंने उनको कोई तकलीफ नहीं दी होती है, वे अपना काम कर रही होती है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा करने वाले लोग होते हैं। तो ये हत्यारे हैं, ये मानसिकता ही
हत्या वाली मानसिकता है, हिंसाचार वाली मानसिकता है। देखिएगा कि हत्यारा होने के कारण प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार का दया भाव उनके मन में नहीं होता और वे जीव हत्या कर सकते हैं। यह हो गया शरीर का पहला दोष। अब देखिए दूसरा दोष, वह गांव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नियत से बिना दिए गए ले सकता है। यह मनुष्य का स्वाभाविक दोष है। किसी मैदान से गुजर रहा है, कोई चीज पड़ी है, उसकी नहीं है लेकिन चीज पड़ी है, इधर उधर देखता है, उठा लेता है, यह चोरी है। अथवा वह व्यभिचार कर सकता है, माता पिता भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली लड़कियों से या फिर ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है या फिर जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी, ये व्यभिचारी भी हो सकता है। तो ये शरीर के तीन दोष, व्यभिचारी होना, चोरी करना और जीव हत्या करना, हिंसाचारी होना, ये दोष है। तो ये दुराचरण की श्रेणी में तथागत रखते हैं कि ये दुराचरण है। तो सदाचरण क्या हुआ? ये नहीं करना, बस यही सदाचरण है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तथागत कहते हैं, जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राज्य के परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए भी कह सकता है मैं जानता हूं और जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूं, न देखते हुए भी कह सकता है कि मैंने देखा है और देखते हुए भी कह सकता है कि मैंने नहीं देखा है। वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है। ये वाणी का दोष है, इसे वाणी का दोष कहा जाता है। तो ये हो गए वाणी के दोष। आगे वे कहते हैं, देखिएगा कि वो व्यक्ति जो एक चुगलखोर हो सकता है, व्यक्ति वो चुगलखोर हो सकता है, यहां सुनी और वहां जाकर कह दी ताकि यहां के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए। ऐसे झगड़ा लगाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, देखे जा सकते हैं। ये वाणी का दुराचरण है। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला भी हो सकता है। अफवाह फैलाने वाले कितने लोग होते हैं, आपने देखा होगा, झगड़े जब होते हैं, दंगे जब होते हैं, तो उसमें अफवाहों की एक बड़ी भूमिका होती है। ये सब वाणी का दुराचरण है। झगड़ा लगाने की नियत से ही वो बोलता है, झगड़ा लगाने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती है। ऐसे लोग होते हैं जिनको झगड़ा लगाने में आनंद आता है और प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक तीसरी बात, वो जबान का कड़वा हो सकता है, वो जबान का कड़वा हो सकता है, जो कुछ वो बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत कठोर बोलते हैं, अप्रिय बोलते हैं। दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला हो सकता है। अथवा वह एक बकवासी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बकबक करने वाला हो सकता है, कभी धर्म की बात न करने वाला। धर्म चर्चा में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती, धर्म की बात ना करने वाला और कभी नीति की बात ना करने वाला, हमेशा तुच्छ, असामायिक, निरुद्देश्य तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला हो सकता है। ये वाणी के दोष है। वाणी के इन दुराचरणों से दूर चले जाना ये ही सदाचरण कहलाता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। अब देखिए, अब मन के दुराचरण की बात तथागत कर रहे हैं। तथागत कहते हैं कि जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है, होते हैं कई लोग, ये मन का दुराचरण है। वो ये इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो जाए। किसी के भी मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है कि
दूसरे की किसी की जो संपत्ति है वो सब मेरी हो जाए। वह दोष बहुल हो सकता है, वह ये इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मर जाए। इस तरह की बात करने वाले और इस तरह की इच्छा व्यक्त करने वाले भी कई लोग हम देखते हैं अपने आसपास में, और अक्सर वहां जहां क्रोध और घृणा और द्वेष होता है वहां तो ये बातें बहुत आयत में उभर कर सामने आती हैं। अब देखिए कि मिथ्या धारणाओं वाला वो ये सोच सकता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं है। ये भी सोचने वाले लोग होते हैं कि क्या मतलब आता है दान का, क्या होता है शिल्प से, क्या होता है त्याग से, किसी को कुछ देना इसका कोई मतलब नहीं है, शुभ अशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं है, ये मानने वाला भी हो सकता है। ये मन का दुराचरण है, ये मिथ्या विश्वास है। वो ये भी मान सकता है कि माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, कि संसार में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण किया या फिर सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक का ज्ञान प्राप्त किया हो या फिर दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराया हो। ये इस तरह की सोच रखने वाले कई लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। क्या दुनिया में ऐसा कोई आदमी होता है कि जिसने ज्ञान व्यान प्राप्त कर लिया हो या फिर उसने सम्यक मार्ग पर चलकर सम्यक जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को बेहतर की ओर ले गया हो या और किसी को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त भी किया हो? ऐसे कोई लोग नहीं होते। तो ये जो दुराचरण है, इस दुराचरण में ये भी आता है जो एक मिथ्या विश्वास होता है, झूठी धारणाएं। इन झूठी धारणाओं से बाहर आ जाना ये बेहतर जीवन होता है। इसमें तथागत बुद्ध सदाचरण की बात समझा रहे हैं और इस प्रसंग को बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। बाबा साहेब इसके आगे सदाचरण की बात बताते हैं। पहले तो दुराचरण बता दिए हैं तथागत ने, अब बाबा साहेब तथागत के ही प्रवचन से सदाचरण की बात बता रहे हैं। तो इस सदाचरण की बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगली कड़ी का, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म के समझ और समझाइश की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।